सीहोर जिले की सीप नदी में सोमवार रात अचानक पानी बढ़ गया, जिसकी वजह से ग्राम साला रोड के स्टॉप डैम पर काम कर रहे लगभग 20 मजदूर नदी में फंस गए, जिन्हें एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक तहसील नसुल्लागंज के पास सैमलर पानी गांव में बहने वाली सीप नदी में अचानक बाढ़ आ जाने के कारण ग्राम साला रोड में स्टॉप डैम पर काम कर रहे लगभग 20 मजदूर देर रात को फंस गए। वहीं सूचना के बाद प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। यहां होमगार्ड के जवान और एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू कर सभी मजदूरों को नाव से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मामले में जानकारी देते हुए होमगार्ड कमांडर कुलदीप मलिक ने बताया कि सोमवार रात स्टॉप डैम का काम कर रहे मजदूर नदी में फंस गए थे, जिन्हें होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। हमें सुबह सूचना मिली थी कि रात में भारी बारिश के कारण अचानक से सीप नदी का बहाव बढ़ गया था और सामने सीप अंबर परियोजना के बराज के लिए कॉन्ट्रैक्टर के कुछ मजदूर थे जो वहां कैंप करके काम कर रहे थे, वो फंस गए थे। जैसे सूचना मिली एसडीआरएफ की टीम यहां पहुंची। प्लाटून कमांडर पाटीदार जी ने बहुत अच्छी मेहनत की और फिर बोट के माध्यम से सभी 20 फंसे मजदूरों को निकाल लिया जो अलग अलग जगह से थे, इसमें झारखंड के और मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के मजदूर थे।